अरुणाचल में तैनात माओवादियों के हमले में शहीद हुए मैनपुरी के लाल शहीद वीरेंद्र सिंह यादव का तिरंगे में लिपटा पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव पहुंचा, वैसे ही वहां मौजूद महिला व पुरुष एवं बच्चों की आंखें नम हो गईं। हर तरफ उनके अंतिम दर्शन के लिए लोग व्याकुल थे। जहां उन्हें सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई, वहीं मुख्यमंत्री ने शहीद के स्वजन को आर्थिक सहायता राशि, परिवार के एक सदस्य को नौकरी और जिले में एक सड़क का नामकरण शहीद के नाम किए जाने की घोषणा पत्र जिलाधिकारी के द्वारा दिया है। मैनपुरी के विकास खंड कुरावली क्षेत्र के ग्राम नानामऊ के रहने वाले वीरेंद्र सिंह यादव असम राइफल्स में नायब सूबेदार के पद पर तैनात थे। फिलहाल उनकी तैनाती डिब्रूगढ़ में थी। 4 अक्टूबर को ड्यूटी के दौरान माओवादियों ने उनके ऊपर धोखे से हमला कर दिया, जिसमें वे शहीद हो गए थे। बुधवार को उनके पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गांव नानामऊ में आगरा रेजिमेंट की सुरक्षा में पहुंचाकर, वैसे ही वहां मौजूद हजारों की संख्या में उपस्थित भीड़ उनके अंतिम दर्शन के लिए उभर पड़ी। वहां पर मौजूद हर महिला पुरुष की आंखें नम थी। गांव में शहीद सैनिक सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। जैसे ही शहीद वीरेंद्र सिंह का शव घर पर पहुंचा, वैसे ही उनकी पत्नी अपने पति के अंतिम दर्शन करने के बाद अपने सुध बुध भूल गयी और वह वीरेंद्र सिंह के पार्थिव शरीर के समक्ष स्तंभ बनकर खड़ी की खड़ी रह गयी। वीरेंद्र सिंह के पार्थिव शरीर को रात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर कहा कि वीरेंद्र यादव की शहादत पर उत्तर प्रदेश की जनता उनको नमन करती है। उन्होंने स्वजन को 50 लाख रुपए सहायता राशि, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी, एक सड़क का नामकरण शहीद के नाम किए जाने की बात कही है। इस संबंध में क्षेत्रीय राजकुमार उस राजू यादव विधायक समाजवादी पार्टी मीडिया को अवगत कराते हुए कहा कि क्यों उन्होंने सरकार से शहीद हुए वीरेंद्र सिंह के परिवार को आर्थिक मदद के रूप में 1 करोड़ रुपए की मांग की थी, लेकिन प्रदेश सरकार ने वह आर्थिक मदद 50 लाख रुपए के अलावा एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की बात कही है। तो वहीं वीरेंद्र सिंह के बड़े पुत्र बबलू यादव ने अपने पिता के मृत शरीर गमगीन माहौल में मुखाग्नि दी। क्षेत्रीय विधायक राजकुमार के जनपद के राजनैतिक दल भी अंतिम संस्कार में मौजूद रहे और विदाई दी। इस अवसर पर जिलाधिकारी महेंद्र बहादुर सिंह, पुलिस अधीक्षक अजय कुमार ने भी श्रद्धा सुमन अर्पित किए। भाई, आज मैनपुरी का लाल एक और शहीद हो गया है, देश की सेवा करते हुए क्या कहेंगे? आज मैनपुरी ने एक वीर सबूत को खोया है और ये जनपद की नई देश की बहुत बड़ी क्षति है। आज स्वर्गीय वीरेंद्र सिंह जी को बधाई देने के लिए हजारों हजार आदमी इकट्ठे थे। आज शोक की घड़ी में इतना ही कहेंगे तो ईश्वर उनके परिवार को ये पहाड़ जैसा दुख झेलने की क्षमता प्रदान करे। उन्होंने देश के सम्मान में अपनी जान गंवाई है और हम लोगों ने मांग की थी सरकार से कि शहीद परिवार को 1 करोड़ रुपया की सांत्वना राशि दी जाए। जी, मांग मानी तो है पर आधी मानी है। 50,000 रुपए दिए हैं, 50 लाख रुपए। अच्छा, इस समय समाजवादी पार्टी क्या आर्थिक मदद करेगी? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस समय बाहर है और निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी भी इस परिवार की अपने जो शहीद हुए हैं आज उनका जो ना सब जो ना पैतृक गांव आया, सर किस तरह से ये शहीद हुए थे पूरा मामला क्या? देखिए, ये 19 असम राइफल्स में पोस्टेड थे और पलटन की जो डेली रूटीन्स होते हैं उसमें ये एक वाटर बॉजर में अपनी ड्यूटीज पूरी करने जा रहे थे। ये को ड्राइवर थे उस वाटर बॉजर के सर, एंड सडनली मिलिटेंट्स ने उस पर अटैक किया और मिलिटेंट्स के अटैक में इनको इंजरी हुई, इनको बुलेट्स लगे और इनके साथ ही ड्राइवर को भी इंजरी हुई, उसको भी बुलेट्स लगे। इनकी अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई एंड इनके जो साथ जो ड्राइवर थे वो अभी भी क्रिटिकल हैं सर। एंड हमारी श्रद्धांजलि इनको, हमारा माई सल्यूट इनको, इसने इन्होंने देश के लिए जो जान दी। नमस्कार, मैं हूं अंशु शर्मा और हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। ऐसे ही बाकी वीडियो देखने के लिए देखते रहिए द इंडियन समाचार और वीडियोस पसंद आने पर हमारे चैनल द इंडियन समाचार को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।